प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि आत्मिक में भी सेंसेस होते हैं। ओके, यीशु ने हमेशा कहा है जिसके कान हो वो सुने। ओके, तो हमको आत्मिक सेंसेस में हमको एक अलग दुनिया है, एक अलग दुनिया है जिसके अंदर देखना या नहीं देखना उसी को कहते हैं प्रकट होना। ओके, प्रकट होना, प्रकाशन मिलना। ओके, अगर आत्मा के सेंसेस हमारे एक्टिवेट हो गए तो ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है। अगर हम परमेश्वर के बातों को समझने लगे, अगर हम परमेश्वर के बातों का ज्ञान रखने लगे हैं, तो ये केवल तभी हो सकता है जब परमेश्वर हमको आत्मा को छुएगा, हमारे आत्मा को वो छुएगा। परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा को अगर अगर यूज किया तो ही हमको पता चलेगा परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की चाहत क्या है। ओके, अगर हम हमारे आत्मिक सेंसेस एक्टिवेटेड नहीं है तो हम उस मेंढक की तरह होते हैं जो कुआं के अंदर होता है, और वो कुआं का जो बेस है, जो तल तल है कुआं का, उसका घेरा जितना दूरी तक उस वो मेंढक जानता है कि वही उतनी ही दूरी तक वो दुनिया है। ऐसा उसका माइंड सेट हो जाता है कि उतना ही दुनिया है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसके ऊपर हमारे लिए और दूसरा कोई जीवन है नहीं। ओके, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है, अगर मेंढक को वहां से बाहर निकाला जाएगा तो उसको पता चलेगा कि वो कितनी दूर तक जा सकता है, और उतने दूर तक जाते समय कौन सी समस्याएं आती है, उतने दूर तक जाते समय कौन से फायदे होते हैं, कौन सा आनंद होता है, कौन सा उत्साह मिलता है, किस तरह का हमारा आगे का रास्ता सफलता असफलताओं से लेते हुए चलता है। ओके, हम आत्मा में जब तक खुल नहीं जाते हैं तब तक हमारा जो जीवन है वो उसको बोलते हैं अंधेरा। ओके, वो अंधेरा है। जब हमारा आत्मा परमेश्वर का आत्मा कनेक्ट हो जाता है तब हम बोलेंगे उसको हम प्रकाश में है। ओके, अगर हम प्रकाश में नहीं है तो हम अंधेरे में है। अगर हम अंधेरे में है तो हमारे अंदर का प्रकाश हमको खोलने की प्रार्थना करना चाहिए। ओके, अगर परमेश्वर का वचन समझ नहीं पा रहे हैं, मैंने बहुत बार जब वचन नहीं समझ में आता है तो मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु मुझे ये वचन नहीं समझ में आया। ओके, और मैं छोड़ देती हूँ, बस मेरा काम खत्म। उसके बाद मुझे वो वचन कोई प्रचारक के द्वारा या मेरे अपने ही अंदर से उस वचन का सोच उस वचन के बारे में प्रकाशन मिलने लगता है। सोच नहीं कह सकते हैं, ये जो प्रकाशन है, ये जो आत्मा का खुलने का समय रहता है, प्रकट होने का समय रहता है, उस समय आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, उसको सोचे नहीं बोल सकते हैं, उसको कल्पनाएं नहीं बोल सकते हैं, उसको कॉन्शियसनेस नहीं बोल सकते हैं, उसको कुछ भी नाम नहीं दे सकते हैं आप। ओके, वो बिल्कुल अलग दुनिया है, वो बिल्कुल अलग दुनिया है। आत्मिक सेंसेस एकदम अलग दुनिया है, एकदम अलग दुनिया है माय फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अलग दुनिया है। आपने मेरी गवाहियों को सुना होगा, तो एक गवाही में मैंने ये बात को डिक्लेयर किया है कि ये सिर्फ पृथ्वी का जीवन मेंढक की तरह हम जीते हैं। जो मेंढक रहता है, जो
कुएं में पड़ा हुआ है, तो उसका तले का जितना घेरा है कुआं का, उतना ही हम दुनिया समझते हैं, लेकिन उससे भी आगे बहुत कुछ है, वो मेंढक नहीं जानता है। ओके, तो आत्मा का जगत बिल्कुल हमारे, हम अभी बोल सकते हैं, जो अंधेरे में जब है हम, तब बोल सकते हैं, हमारे सोच और कल्पनाओं से परे है आत्मिक जगत। ओके, और विशेष तौर पर आत्मिक जगत जो परमेश्वर का आत्मिक जगत है। ओके, जो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, और उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधक बनना है और आराधना करना है, और वो परमेश्वर आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है, आराधकों को ढूंढ रहा है, ऐसा यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, चौथे अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, 22, 23, 24 वचन आपको मिलेंगे वहां पर। ओके, तो हम ये परमेश्वर के अंदर अब जब पानी का डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिए है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और पवित्र आत्मा के अभिषेक में चल रहे हैं, तो हम परमेश्वर के वचन को तो पढ़ेंगे ही, हम प्रार्थना भी करते हैं और हम अन्य भाषा बोलते हैं। हमको परमेश्वर कभी कभी बहुत प्यारा लगता है, और कभी कभी हमको ऐसा लगता भी नहीं है कि हम मसीह हैं। ओके, और कभी कभी हम ऐसे रहते हैं जैसे परमेश्वर है तो है, नहीं है तो नहीं है, ग्रांटेड। ओके, हम ऐसे रहते हैं, हम ये सब हमारे अंदर का उतार चढ़ाव जो परमेश्वर के बारे में है, वो इसलिए है कि हम छूट जाते हैं। हम जब छूट जाते हैं आत्मा के क्षेत्र में से छूट जाते हैं, ओके, तब हम अंधेरे से घेर लिए जाते हैं, और तब हमारे ये ठंडा गरम ऐसा अवस्था चलते रहता है। ओके, तो हमको यीशु मसीह ने कहा है कि प्रकाशित वाक्य में गुनगुना नहीं होना, अगर गुनगुना रहेंगे तो यीशु मसीह अपने मुंह में से वो थूक देगा। अब आपको सुनकर अटपटा लगेगा ये सब बातें, लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कैसा कह रहा है, ये क्या चीज है ऐसे कि वो थूक देगा, इसका मतलब हम उसके मुंह में है, ये क्या है, इसी को समझने के लिए आत्मा खुलने की जरूरत है। ओके, अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पर युद्ध होता है, बहुत अध्याय में आप पढ़ेंगे वहां पर एक युद्ध के भी विषय में ऐसे लिखा गया है कि इस तरह से कुछ ऐसे बीस्ट, इंग्लिश में बीस्ट लिखा है, ओके, पशु पशु, ओके, पशु, ऐसे पशु जो, अब देखिए मैं आपको बोलती हूँ, जीव जंतु कोई भी रहे उनमें खुद की तो कुछ ताकत होती है ना, लेकिन फिर भी वो पशु युद्ध में जब उतर रहे हैं तो वो कैसा युद्ध कर रहे हैं, आप देखना उसको पढ़कर, आपको पता चलेगा वो पानी को बहा रहे हैं, वो आग को बहा रहे हैं। आप एक कल्पना कीजिए, आपके अंदर अगर एक मनुष्य जाति है तो आपके अंदर कुछ तो ताकत है ना, आप कुछ भी हाथ पैर जैसे यूज करके आप फाइट कर सकते हैं, लेकिन आप रेवलेशन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्यों को पढ़ेंगे, आप देखना उसके अंदर क्या क्या हथियार यूज किए हैं, आग को बहाया है, पानी को बहाया है, तूफान को बहाया है, आंधियों को चलाया है, बिजलियों को कड़कड़ाया है, क्या क्या यूज किया है उसके अंदर। ओके, जबकि वो पशु जो है उसके अंदर ताकत है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग तरह से वेपन्स को यूज किया है, हथियार को यूज किया है। ओके, तो हम युद्ध कर रहे हैं, अगर हमको ये सब नहीं मालूम है तो हम क्या युद्ध जीतेंगे।
अगर हमको आत्मा में परमेश्वर ये सब कुछ नहीं सिखाएगा तो हम किस तरह का युद्ध कर रहे हैं? ओके, हमको बहुत सारे वेपन्स है हमारे पास, बहुत सारा रास्ता है परमेश्वर ने रखा हुआ। हमको असफलताओं को टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, हमको किसी भी बात में पड़े रहने की जरूरत नहीं है। एक वचन है नीति वचन में जो कहता है कि आलसी का घर इस तरह का है जिसके घर को पूरी तरह से कांटों से जमीन भर चुकी है और उसके इर्द गिर्द इतनी झाड़ियां उग गई है कि वो घर ढाप दिया गया जैसे है, घास फूस से एकदम छिप गया है। ओके, तो आप अपने आप को देखना है। आप अगर देखेंगे तो शैतान आपके कौन सी बातों को छू रहा है? आपके फाइनेंस को छू रहा है, आपके मैरिज को छू रहा है, आपके फैमिली को छू रहा है, आपके बच्चों को या आपके रिश्तों को या आपके व्यवहारों को? कौन सी एरिया ऑफ लाइफ को शैतान टच कर पा रहा है? ओके, उसका रास्ता कहाँ खुला है? वो कहाँ से आ पा रहा है? वो किस रास्ते से आ रहा है? वो क्या कर रहा है? वो किसको छू रहा है? और क्या हो रहा है असर उसका? आपको ये अगर समझ में आना आना है तो आत्मिक तरह से आप खुलना है। ओके, आत्मा में से आपको खुलने की जरूरत है। आत्मा में से जब आप खुलेंगे तभी आप देख पाएंगे कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, जब तक आत्मा में आप नहीं खुलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है और आपको इसका इंतजाम कैसा करना है, बंदोबस्त कैसा करना है। ओके, और यही के कारण मसीह होने के बाद भी हम बहुत ज्यादा सिर्फ अनंत काल का जीवन प्राप्त किया है, इस आनंद में रहते हैं, लेकिन जो बाकी व्यवहार है पृथ्वी के उसमें बहुत मारे पीटे कूटे गए ऐसे रहते हैं। ओके, तो हमको देखना है कि ये लोग जो जो चढ़ाई करते हैं, शैतान के लोग, ओके, जिनको हकीम कहते हैं, वो चढ़ाई करते हैं, हमारे फाइनेंस को छीन लेते हैं, हमारे प्रमोशंस को छीन लेते हैं, हमारे रिश्ते बिगाड़ सकते हैं, हमारे मैरिजेस को खराब कर सकते हैं, ओके, करप्ट कर सकते हैं हमारे हृदय को। हम बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं कि वो लोग कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या बनता है? वो करने के लिए उनको करनिया करनी पड़ती है। ओके, उनको शैतान अंधेरे में कुछ सिखाता है क्योंकि शैतान को उजियाले में प्रवेश नहीं है। जो उजियाले की बात मैं कर रही हूं वो परमेश्वर, परमेश्वर उजियाला है, प्रकाश है, यहोवा परमेश्वर, और उस प्रकाश के अंदर शैतान कुछ नहीं कर सकता है, बिल्कुल जीरो है। वो रुक नहीं सकता है क्योंकि परमेश्वर के बारे में कहा है वो भस्म करने वाली आग है। ओके, तो वो भस्म हो जाएगा, प्रकाश से शैतान डरता है और अलग हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये बनता है कि शैतान के काम करने वाले लोग गुप्त के रास्ते में, अंधेरे के रास्ते में से हमारे एरियाज ऑफ लाइफ तक पहुंचते हैं, वो ब्रिज बनाते हैं, पुल बनाते हैं और फिर पहुंचते हैं। अब आपको ये बात को समझ में आना चाहिए कि अगर कोई शैतान की हेल्प से आपके कोई भी एरिया ऑफ लाइफ को छू रहा है, खराब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है या भटका रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो इंसान उस एरिया ऑफ लाइफ तक पहुंचा कैसे है। वो इंसान नहीं पहुंचा है, उसने शैतान की तपस्याएं करके
आत्माओं को लिया है, अब वो आत्माओं को आपके उस एरिया ऑफ लाइफ तक जाने का रास्ता चाहिए। ओके, अगर वो रास्ता बनाना है तो ये भी वो लोग शैतान की तरफ से ट्रेनिंग लेते हैं और फिर वो रास्ता बनाने के लिए तैयार करते हैं। ओके, इसके लिए वो आपके पीछे भागते रहते हैं, इसके लिए वो आपके आगे पीछे दौड़ते हैं, आपके पैरों की मिट्टी उठाते हैं, आपका बाल गिरेगा तो वो उठाते हैं, नहीं तो आपके नाखून आप काट के फेंके हैं वो उठाते हैं, नहीं तो आपका कूड़ा कचरा लेते हैं, नहीं तो आपके जो पर्सनल जो भी आपकी चीजें हैं, आपका पसीना, ओके, या आपके शरीर को पहना हुआ कपड़ा, जैसे पुराने कपड़े, हम बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पुराने कपड़े हम बिल्कुल यूज नहीं है, अभी उसका कुछ यूज नहीं कर सकते हैं, वेस्ट हो गए हैं, तो उसको हम जलाने की सोचते हैं, लेकिन अगर जलाने के लिए जगह नहीं है, अगर हमने ऐसे ही मतलब बांध के किसी कपड़े में दे दिया किसी को और कहा कि आप इसको कहीं जगह जाके जला दीजिए क्योंकि ये हमको यूज नहीं है, ओके, तो वो नहीं जलाएंगे, वो छिपा के रखेंगे। ओके, ये सब कुछ चीजें ये क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि ये शैतान बता रहा है हमारे उस एरिया ऑफ लाइफ में पहुंचने का रास्ता कौन सा है। ओके, जो ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं, अगर वो मैरिज छीनना चाहते हैं, किसी के हस्बैंड को छीनना चाहते हैं, किसी के वाइफ को छीनना चाहते हैं, किसी के पैसों को छीनना चाहते हैं, किसी के घर परिवार को दुश्मनी से बर्बाद करना चाहते हैं, ओके, ये सब चीजें जो भी वो करना चाहते हैं, उनके दुष्टाई जो उनके मन की कड़वाहट के कारण है, ओके, उनके अंदर ये बिल्कुल नफरत भरा हुआ है, तो ये नफरत क्या उपजेगा। ओके, अगर आप अंजीर के पेड़ के जो रहते हैं, अंजीर का पेड़ होता है और जो दाख होती है उसके बारी होती है, ओके, उस दाख के दाख लता होती है, ठीक है, तो अगर आप कांटे में ऐसा अगर आप जाकर अंजीर को ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अंजीर पेड़ पर आता है। ओके, और अगर आप पेड़ के ऊपर आप सोचेंगे अंजीर के पेड़ के ऊपर कि अभी यहां से दाख मिलेगा, नहीं, दाख लता में आपको ढूंढना पड़ेगा, दाख की बारी में आपको ढूंढना पड़ेगा दाख को। ओके, तो आपकी फसल आपको बताएगी कि आप क्या चाहते हैं, आप सफलता चाहते हैं, लेकिन वहां पर आप सफलता पा ही नहीं सकते हैं, उस रास्ते से जा रहे हैं। ओके, आप क्या चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, उस रास्ते से आप चल रहे हैं और आप चाह रहे हैं, तो आपको कैसे प्राप्त होगा वो। ओके, इसके कारण हमारा आत्मिक सेंसेस खुलना चाहिए, हम आत्मिक सेंसेस अगर खुलेंगे हमारे तो हमको पता चलेगा कि हमारा कौन सा रास्ता है और शैतान का आत्मा कौन से रास्ते से आ रहा है, उसका बंदोबस्त कैसा करें। ओके, अगर आपको ये बंदोबस्त करने का टीचिंग आपको मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये कितना आसान है शैतान के साथ युद्ध करना। ओके, अगर दुष्टता के अंदर से हकीम लोग, शैतान के जो लोग हैं, वो लोग दुष्टता के अंदर के नियम जानते हैं, उस नियम के चौखट में रहकर वो क्या नहीं करते हैं दुष्टाई में, दुष्टता में क्या नहीं करते हैं। ओके, इसके लिए तो परमेश्वर का जो मन है वो मनुष्य के प्रति दया से भरा हुआ है, लेकिन शैतान के प्रति क्रोध से भरा हुआ है, क्योंकि शैतान मनुष्य नहीं है, शैतान की ताकत और दुनिया अलग है, और वो मनुष्य के अंदर से मनुष्य के ताकत को बिगाड़ रहा है, वो
वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। ओके, इसके लिए वो कहता है कि अनाज्ञाकारिता में पाप है। तो अनाज्ञाकारिता में ये इसीलिए क्योंकि शैतान अनाज्ञाकारिता बढ़ाता है मनुष्य के अंदर, और फिर वो शैतान का घर बन जाता है और शैतान के काम करने लगता है। ओके, तो इसके लिए परमेश्वर अनाज्ञाकारिता के लिए कहता है कि तुम माफी मांगो, मैं दोबारा तुमको अपने पास ले लूंगा। ओके, और अगर अनाज्ञाकारिता में ही पड़े रहेंगे तो नाश हो जाएंगे। ओके, तो हम हमेशा इस बात को समझना है कि अगर अंधेरा इतना समझ सकता है काम करने के तरीके, तो उजियाले को भी वैसा ही समझने की जरूरत है। हम उजियाले में ऐसे जीते हैं जैसे हमको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हम उद्धार में आ गए, खत्म, एकदम मजे की बात है, हो गया खत्म। ओके, और फिर जब हम परेशानियों में लड़खड़ाने लगते हैं, तब हम भटकने लगते हैं और हम देखते हैं कि हमको कोई सहायता नहीं कर रहा है, हमारे लिए कोई इंसान हमारी मदद नहीं कर रहा है। मसीह में है, लेकिन मसीही लोग हमारे से वो सब कुछ नहीं कर रहे जो हमको करना चाहिए, हमारी सहायता करना चाहिए, हमारी ओर ध्यान देना चाहिए, हमारे विपत्तियों में हमारी हमारे साथ होना चाहिए, वो लोग नहीं हो रहे हमारे साथ। ओके, हम ये सारी चीजें जो अनुभव कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप ये नहीं समझ पा रहे कि आत्मिक जगत के नियम है जिसको हमें समझने की जरूरत है। ओके, जैसे आपका माहौल बिगड़ जाता है, आपका माहौल खराब होने लगता है और आप हड़बड़ी में आ जाते हैं और फिर आप ढूंढने लगते हैं कि कौन मेरे सहायता करेगा, तो वो समय आपको ये समझ में आना चाहिए, ये आपका सारा आंधी और तूफान या हड़बड़ी का समय जो है वो कहीं ना कहीं तो शैतान की आत्मा रास्ता बनाकर आया है। ओके, अगर उसको नियम पता है कि रास्ते में वो कौन से हद तक आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपको नहीं पता है, तो आप उसको आप डरते रहेंगे या फिर आप उसके अधीन रहेंगे, वो आपका नुकसान करके जाएगा, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप क्योंकि आपको प्रतिकार करना आता ही नहीं है, आपको उसकी मर्यादा पता ही नहीं है, तो इस कारण से आप बहुत ज्यादा परेशानी में फंसते जाते हैं। ओके, फिर ये तरह से हमको जो वचन के आधार पर है समझने की जरूरत है। ओके, हम जो प्राण के क्षेत्र में है, तो जब हम अंधेरे में है तो हम प्राण के क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। ओके, उसके अंदर डाउट्स, फियर्स, संदेह करना, डरना, ओके, हड़बड़ी में पड़ जाना, ओके, विचलित हो जाना, दुखी हो जाना, ओके, लड़ाई में उतर आना, लड़ाकू बन जाना, ओके, ये सारी चीजें, ये सारी चोरी, नाश, घात की भावनाएं हमारे प्राण के क्षेत्र में है और ये अंधेरा है। ओके, हमारा शरीर कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों में, हमारे शरीर के स्किन में, चमड़ी में, या हमारे शरीर के बाल में, या हमारे शरीर के कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में शैतान चिपक कर रह सकता है, शैतान का आत्मा। और उस वो आत्मा अगर लड़ाकू है, तो वो आपके प्राण की भावनाओं में वो उत्तेजन मिलता रहेगा, हर चीज में आप लड़ाकू बन जाएंगे। ओके, अगर वो ढिटाई का आत्मा है, पाप की ढिटाई करने में, तो हर चीज में आप पाप की ढिटाई दिखाएंगे, जबकि आप मसीह है। ओके, अगर वो कोई एडिक्शन का लत देने वाला ऐसा आत्मा है, तो जो लत है
जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसी कोई बातें हैं, तो आप उस लत के अंदर ज्यादा बढ़ते जाएंगे। ओके, तो ये पाप का आत्मा है, शैतान का आत्मा बोलेंगे तो, पाप करवाने के आत्मे है ये। ओके, तो इसकी वजह से ये आत्मे हमको हमारे शरीर के कोई भी भागों में से हमको क्रेजी कर सकते हैं। ओके, हमारा सेल्फ कंट्रोल, वो लोग, वो आत्मे हमारा सेल्फ कंट्रोल अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, ताकि हम उनको प्रतिकार नहीं कर पाएंगे। ओके, ये इतना असरदार अगर शैतान की आत्माएं काम करती है, तो आप अगर इससे अनजान है, तो वो आलसी के घर के समान है, जैसा आपके उस घर के इर्द गिर्द में बहुत सारे कांटे उगे हैं, और आप घर के अंदर है, आपको पता ही नहीं है आपके इर्द गिर्द में शैतान ने क्या क्या बोया हुआ है। ओके, इसके लिए मेरी प्रार्थना है, जब मैं करती हूँ तो आप बहुत ही मन लगा के उसको यूज करना है, क्योंकि वो हमेशा की सफाई है। आपको कोई परेशानी ना भी हो तो भी आपको वो प्रार्थना करना है, क्योंकि वो अंधेरा है जो आप हटाना चाहिए। अगर आपने अंधेरा हटाया, तभी आपको उन्नतियां दिखाई देगी, तभी आपको खुशियां दिखाई देगी, तभी आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलने लगेंगे, तभी आप हर एक शैतान के बने हुए रास्ते आप टूटते हुए देखेंगे। आपके लाइफ के कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में शैतान मजबूती नहीं पकड़ पाएगा। ओके, तो ये आपके लिए आज परमेश्वर की तरफ से ये आपको ये आवाज है कि आप ये ना सोचे कि हम मसीह में आ गए हैं, खत्म बात, अब बिल्कुल आराम ही आराम है। नहीं, आप मसीह में आए हैं तो अब आप प्रकाश का प्रिंसिपल्स समझना है, प्रकाश के अंदर के नियम समझना है, प्रकाश के अंदर के मर्यादा को आप समझना है, उसके गहराई को समझना है, उसके ऊंचाई को समझना है, उसके चौड़ाई को समझना है। आपको प्रकाश में आना, इसका मतलब आप बिल्कुल एकदम फ्री हो गए, ये नहीं बनता है। आपको अब प्रकाश के बारे में जानने की जरूरत है, और वो सब कुछ आपको वचन के अंदर से मिलेगा। ओके, जब आप वचन पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, पुराने नियम की बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, नए नियम में भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, लेकिन फिर भी हमको उसे पढ़ना है, और हम परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर ये क्या है, मुझे सिखा, क्योंकि वो एक अलग दुनिया है माय फ्रेंड। बाइबल, पवित्र बाइबल अलग दुनिया है, जो आपके प्राण को कभी नहीं समझेगा। आपका प्राण एक स्टोरी बुक एंजॉय कर सकता है, पढ़ाई लिखाई एंजॉय कर सकता है, क्योंकि वो प्राण समझ लेता है, लेकिन जो वचन है परमेश्वर का, आपका प्राण उसको नहीं समझ सकता है, आपका प्राण उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। ओके, पवित्र बाइबल की तरफ देखेगा भी नहीं, प्रार्थनाओं की तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि आपके प्राण को वो है ही नहीं कनेक्शन, अंधेरे में है। ओके, अगर आपका प्राण अंधेरे में है, तो आपके शरीर के बहुत सारे हिस्सों में शैतान की आत्माएं काम करती है। ओके, और वो कारण से फिर आपका प्राण डिस्टर्ब रहता है, आपके चुनाव डिस्टर्बेंसेस में रहते हैं, आपकी सफलताएं असफलताएं बिल्कुल डगमगाते हुए रहती है, आपके प्रमोशंस उन्नतियां भटका दी गई होती है, आपको जो चाहिए वो आपके मन में रह जाता है, जो आपने कभी मांगा नहीं था वो आपको मिल जाता है, और वो कुछ समय रहता है, बाद में खराब हो जाता है। बहुत सारी चीजों में आप उतार चढ़ाव में चलते रहते हैं। ओके, और आप समझौता का लाइफ जीते हैं उसके अंदर, लेकिन
आपने पानी का बपतिस्मा लिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपने बपतिस्मा लिया है, और आप चर्च भी जाते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, आराधना में शामिल होते हैं, लेकिन आपके प्राण के क्षेत्र में ही आप जी रहे हैं। ओके, अगर ऐसी अवस्था में आप जी रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि चल जाएगा, ऐसा भी जी कर चल जाएगा, ये नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि ये क्षेत्र है जिसके आगे हमको जीने के लिए बुलाया है। अनंत काल का जीवन है हमारे लिए। अगर हम उस क्षेत्र से प्यार नहीं कर रहे, हम मसीही के अंदर रहते हुए भी अंधेरे में है। ओके, हम मसीह के अंदर है, हम मसीह में जी रहे हैं, और हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी लगाकर पानी का बपतिस्मा लिया है, लेकिन हमारा प्राण अभी भी अंधेरे में है। ओके, हमारे लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो गया है कि हम अनंत काल के जीवन में रहेंगे, और जो अनंत काल का न्याय है, जो परमेश्वर ने रखा हुआ न्याय है, वो न्याय हमको नहीं रहेगा। हम धर्मी ठहराए गए, हम पवित्र ठहराए गए, और अब हमको अनंत काल का जीवन मिल जाएगा, बिल्कुल बराबर है, लेकिन आपका प्राण आपके अंदर शांति नहीं रखेगा। ओके, आपका प्राण आपके अंदर जो प्रकाश होना चाहिए वो नहीं आने दे रहा है। अगर वो प्राण आपको प्रकाश मिलने नहीं दे रहा है, तो आपको ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है, प्राण कभी भी आपको वो मिलने नहीं देगा, क्योंकि प्राण को प्यार ही नहीं है परमेश्वर से। ओके, अगर प्राण को परमेश्वर से प्यार नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट कैसे करेंगे कि आप कोई भी बात में परमेश्वर सहायता करेगा? हमेशा आपको यही लगेगा, मैं प्रार्थना करूंगा या करूंगी, लेकिन परमेश्वर क्या पता सुनेगा कि नहीं, क्योंकि आपके प्राण के अंदर परमेश्वर के लिए स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो आपको उसके अंदर से कुछ एक्सपेक्ट करने का, आशा करने का भी रास्ता नहीं रहता है, माय फ्रेंड्स। ओके, हकीकत और सच्चाई तो ये है कि परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम कर रहा है, फिर भी आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, जबकि आपका प्राण परमेश्वर के तरफ मुड़ नहीं रहा है, फिर भी वो आपके साथ है, तो आपको अजीब लगेगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है, मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता नहीं है। इम्पॉसिबल है माय फ्रेंड्स, असंभव है ये, असंभव, बहुत बड़ा असंभव है ये। ओके, क्योंकि ये अंधेरे के अंदर है आप, इसीलिए आपको आत्मा खुलने की जरूरत है। आत्मा खुलने की वजह से आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपका और परमेश्वर का रिश्ता मजबूत है। ओके, जब आप प्राण के क्षेत्र में ही लिमिटेड रहेंगे, आपको हमेशा हमेशा मरते दम तक कोई पास्टर की जरूरत पड़ेगी, कोई डिलीवरेंस मिनिस्टर की जरूरत पड़ेगी, कोई विश्वासी की जरूरत पड़ेगी, कोई भविष्यवक्ताओं की जरूरत पड़ेगी। ये सब इसीलिए है क्योंकि आपका प्राण के क्षेत्र तक ही आप जी रहे हैं। ओके, आपके प्राण के क्षेत्र में ही हमको सब कुछ डिपेंड रहना पड़ता है, हमारे इर्द गिर्द के वातावरण पर, मसीही वातावरण के ऊपर हमको डिपेंड रहना पड़ता है। जब मैंने उद्धार में आई, तो मुझे नहीं मालूम था यीशु मसीह क्या है, उद्धार क्या है। मैंने कभी दुनिया में ऐसे शब्द सुने नहीं थे, और बिल्कुल अब मैं वो मेरी गवाहियों को और ज्यादा लंबाई में नहीं बताऊंगी, मैं ये बता देती हूँ मेन जो चीज है। जब मैं उद्धार में आई, तो मुझे इतना ही बोला गया था, कुछ समय के लिए आप यहाँ पर रुक जाना,
इसके बाद आप मिशनरी काम के लिए निकलेंगे। तो मैंने वो आवाज को सुना, उसके बाद मेरा पानी का बपतिस्मा हो गया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। जैसे मैं सच कहूँ, मैं कुछ भी मेरे प्राण के आधार पर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने ये सुपर नेचुरल वे से, मुझे अद्भुत तरह से मुझे परमेश्वर ने उद्धार में लाया है, और ऐसे अवस्था में लाया कि मेरे प्राण के ऊपर कोई बोझ ही नहीं रहा था कि उद्धार क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों करना है। वो मेरे प्राण का कोई इंटरफियरेंस नहीं था उस समय। मेरे मेरे प्राण के अंदर टोटल डेथ हो चुका था, टोटल जीरो हो चुका था, वो नलिफाई हो गया था, और बस मैं जैसा बोलेंगे वैसा मैं किए जा रही थी। और जब मेरा समय आ गया, अब मुझे मिशनरी वर्क के लिए निकलना है, तो वो समय में इतना 6 मंथ्स, 6 महीने, इतने सारे उतार चढ़ाव होने लगे थे मेरे लाइफ में, इतने सारे तूफानी परेशानियों से मैं घिर चुकी थी। और वो अवस्था मेरा था, मुझे बोला गया था 3 साल में मिशनरी के काम के लिए बाहर निकलोगे। ये मेरा शुरू हो गया 2.5 साल के समय में, 2.5 साल के समय में मेरा ये तूफान शुरू हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मेरा सब कुछ ऐसा, जैसा बोलते हैं ना कैओस, इंग्लिश में बोलते हैं कैओस, ओके, यहां से वहां से सब कुछ उखड़ के, यहां से उखड़ के, वहां से उखड़ के, सब कुछ बिगड़ रहा है, सीधा हो रहा है, बिगड़ रहा है, सब कुछ गड़बड़ी में था। मेरे घर के स्थिति, मेरे भाई की स्थिति, मेरा मेरे मम्मी की स्थिति, मेरा करियर का स्थिति, मेरा भविष्य का प्लानिंग की स्थिति और करियर की स्थिति, सब कुछ मेरा कंप्लीट डिस्टरबेंसेस में हुआ था, कंप्लीट डिस्टरबेंसेस। जैसे मैंने आराधना के समय जब वर्शिप हो रहा था संडे का, तो मैं हमेशा बहुत आगे जाकर बैठती थी, तो मैंने घुटनों पर बैठकर आराधना हमेशा ही, जैसे शुरू होता है संडे वर्शिप, तो मैंने पहले से ही अपने आप को तैयार करके रखा था और आराधना हो रही थी। आराधना होते समय मैंने आराधना के एकदम बीच में बहुत पावरफुली, बहुत सामर्थ्य के साथ, जब आराधना का जोर बढ़ गया था, उस समय मैंने दर्शन देखा, एकदम क्लियर कट दर्शन देखा मैंने, कि छोटे पौधे थे, 2 या 3 ही पौधे थे, ज्यादा नहीं, एक ऐसा जगह में, जैसे कमरा था, अच्छा कमरा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, एकदम छोटा सा कमरा था उसमें, और फिर उसमें से यीशु मसीह ने बहुत नजदीक आके एक पौधा उठाया और वो लेकर बाहर की तरफ, उस कमरे से बाहर जाने लगा। तो मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने पूछा, प्रभु मुझे क्यों उठाकर लेकर जा रहा है, क्या तुझे पसंद नहीं है कि मैं तेरे घर में आराधक बन के तेरी आराधना कर रही हूँ। तो इतना प्यारा स्माइल मुझे यीशु मसीह ने दिया और मुझे बोला कि ये पौधा यहाँ रहने के लिए मैंने नहीं लगाया है, अब मैं इसे जमीन में गाड़ूंगा, वहां से वो उपजेगा, और जब उपजेगा तो ऐसा वो जमीन का खत पानी लेगा, उसको कोई संभालने की जरूरत नहीं है, उसको कोई बांध लगाने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर कोई सेवकाई करने की जरूरत नहीं है, उसको सब कुछ वो मिट्टी के अंदर से मिलेगा, वो इतना मजबूत और तगड़ा बन जाएगा कि वो फल देगा, और उसके फैलाया हुआ जितना दूरी पर वो फैलेगा, वो उतने दूरी पर वो छाया देगा, लोग उसके छाया में आराम करेंगे, और जो
पक्षी है वो उसके ऊपर बसेरा करेंगे और वो फलदायी रहेगा, वो भूखे को खिलाने वाला ऐसा रहेगा। मैं आज भी वो स्माइल परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का नहीं भूली हूँ। अब भी मुझे वही याद है कि वो इतने प्यार से मुझे ये बात को बोला, उसके बाद मैंने कुछ नहीं पूछा और ये आज मैं जो भी दिखाई दे रही हूँ वो पौधा बढ़ चुका है और बढ़ रहा है और बहुत कुछ काम हो रहे हैं। और फिर 6 महीने का जो डिस्टेंस था, जो गड़बड़ियों का था, उसमें मैंने और एक देखा, ड्रीम देखा कि मैं अपने आप को चर्च के बाहर खड़े हुए देखती हूँ और सब जन चर्च के अंदर है। तो इस तरह से मैंने हमेशा ही अपने अपने दर्शन को देखते हुए मैंने ये कभी नहीं समझ पाई कि ये क्या है, लेकिन मैंने उसका पीछा भी नहीं किया और मैं इंटरफियर भी नहीं किया उसके लिए। आज मैं चर्च के बाहर हूँ लेकिन मजबूत हूँ और परमेश्वर मेरे अंदर की मजबूती है और उसने जो नींव मेरे अंदर बनाई है वो नींव पक्की है, मजबूत है और इसके कारण मुझे डगमगाना बहुत मुश्किल है। मेरे पापा डगमगा गए, मेरा भाई डगमगा गया, लेकिन मैं अभी भी स्थिर हूँ। और ये तूफान के अंदर का दृश्य परमेश्वर ने मेरे भाई को भी बताया था कि एक ऐसा आंधी आने वाला है और उस आंधी में से सब कुछ तो जाने दे, कोई चिंता नहीं करना है, सब कुछ निकल जाने दे, चिंता नहीं करना है। और एक ड्रीम में उसने देखा कि बड़ी सी आंधी तूफान और फिर उसके अंदर एक ऐसे बचने के लिए रास्ता था, निकल जाने के लिए। उसमें से मैं और मेरी मम्मी निकल गई, मेरे पापा उस समय नहीं निकले, वो आगे निकल जाना चाहिए था, नहीं निकल गए। मेरा भाई नहीं निकल पाया, उसने हम लोगों को दोनों को आगे निकल जाने दिया लेकिन वो नहीं निकल पाया। मैं बहुत सारे ऐसे मैंने दर्शन के आधार पर मैंने कभी नहीं मांगा परमेश्वर से कि ये क्या है, क्योंकि मेरा प्राण इंटरफियर नहीं कर रहा था। मेरा प्राण कंप्लीटली शांत है, अभी भी मेरा प्राण बिल्कुल उलझता नहीं है परमेश्वर के साथ। वो हाँ कहे तो मैं हाँ कह देती हूँ, वो ना कहे तो मैं ना कह देती हूँ। ये तरह से परमेश्वर ने मेरे अंदर इस जीवन की स्थिरता को लाया है। इसी तरह से मैंने ये समझा, एक दिन मैं आ रही थी मेरे जॉब से, तो वहाँ मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ता था, तो मैं ट्रैवल करके आ रही थी, तो मैंने क्लियर कट, मैं अंदर से हमेशा ही कनेक्टेड रही परमेश्वर के आत्मा के साथ, तो मैंने क्लियर कट देखा, लोगों को मैं देख रही थी, वो लोग ऐसे चल रहे थे जैसे वो आत्मा है और उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं उनको कुछ नहीं पता है, बस वो चल रहे हैं, यहाँ से जा रहे, वहां से आ रहे, चल रहे, और मैं उनको देख रही हूँ, वो लोग हैं। जो भीड़ है, भीड़ जा रही है, भीड़ आ रही है, देख रही हूँ मैं व्हीकल में से। तो आप इंसानों को आत्मा के अंदर से देखना शुरू करेंगे तो आपको परमेश्वर का चाहत समझ में आएगा। और तब मुझे परमेश्वर ने बात किया कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर लोग नहीं जानते हैं उनका भविष्य क्या रखा है मैंने, लेकिन वो अपने अंदर से जीवन जी रहे हैं। अब ये लोगों के अंदर, इनके पास ये सोचे नहीं थी, लेकिन मैंने वो देखा ये लोगों के बारे में और मेरे अंदर से वो प्यार उनके लिए परमेश्वर का भरने लगा और मैं उनके लिए परमेश्वर से मांगने लगी। तो परमेश्वर का, आत्मा का जगत बहुत डिफरेंट है माय फ्रेंड्स, बहुत डिफरेंट है। और वो छूने नहीं देता है,
वो छूने नहीं देता है, उसकी आत्मा के क्षेत्र को खुलने नहीं देता है। वो रहस्य रखने वाला परमेश्वर है। बिल्कुल मैं उसके बारे में क्या कहूँ, वो हमारे प्राण के लिमिट में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। ओके, हम मसीही होने के बाद में हमारा जीना प्राण से ऊपर उठना है। हमको प्राण से ऊपर उठना है, हमको अंधेरे से ऊपर उठना है, और हमको परमेश्वर से मांगना है, हमको उठाओ परमेश्वर, हमको ऊपर उठाओ, हमको आत्मा के क्षेत्र में चलाओ, हमको आत्मा के गहराई में चलाओ, हमको आत्मा के बारे में बताओ, हमको आत्मा के क्षेत्र के रहस्य बताओ। हमको जानना है, हम पहचानना चाहते हम क्या है, हम क्यों है, हम कैसे है, हमको देखना है। ये आपको मांगने की जरूरत है। आप तभी मसीही जीवन को समझ पाएंगे, नहीं तो आप में और दुनिया के लोगों में कुछ फर्क नहीं लगेगा आपको, और आप आसानी से दुनिया में भटकते जाएंगे, दोबारा लौट के आएंगे, भटकते जाएंगे, दोबारा लौट के आएंगे, भटकते जाएंगे। ये उतार चढ़ाव में ही आप जीते रहेंगे। ओके, बिल्कुल अलग दुनिया है आत्मा का। आपको आत्मा के आंखें खुलने की जरूरत है, आत्मा के कानों से सुनने की जरूरत है, आत्मा के सेंसेस आपके अंदर यूज होने की जरूरत है। ओके, आपको ये प्रिविलेज है परमेश्वर से। जो परमेश्वर को ढूंढेगा उसको वो प्राप्त होगा। आपको ढूंढना है परमेश्वर को। अगर आप प्राण के क्षेत्र में ही सेटिस्फाइड कंफर्टेबल मान रहे हैं, तो फिर आप प्रार्थनाओं को क्यों एक्सपेक्ट करते हो? प्रार्थनाओं की आशा क्यों करते हैं आप? जब आपको प्राण के क्षेत्र से ही संतुष्टि मिल रही है, फिर आप क्यों बाइबल पढ़ते हैं? आप क्यों प्रभु भोज में भाग लेते हैं? ये सारा रास्ता परमेश्वर ने इसके लिए रखा है कि आप उसके रहस्य के अंदर भी उतर कर आना है। आत्मा ये रहस्य का बात है परमेश्वर का। ओके, आप उसके अंदर भी आना है और उसके अंदर भी देखना है कि वहां क्या कह रहा है परमेश्वर, वो अति पवित्र स्थान में से क्या कह रहा है परमेश्वर, क्या कह रहा है। ओके, वही सच्चाई है, वही सच्चाई है, और वही हमको जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। और अगर हम प्राण के क्षेत्र में ही पड़े रहेंगे तो हम अंधेरे में है, और अंधेरे के कारण ये है कि हम उसको हटाने की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आलसी है, टोटल शब्द में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एक ही शब्द में आता है, आलसी है। ओके, हमारे प्राण को बिल्कुल भी ताकत नहीं है, बिल्कुल भी चेतना नहीं है, उत्साह नहीं है, जोश नहीं है, जो हम आत्मा का पीछा कर सके। आत्मा में क्या है? मेरे खुद आत्मा में क्या है? मेरे परमेश्वर आत्मा में क्या है? तू आत्मा है कहता है, और तू हमसे कनेक्ट होने के लिए तेरा आत्मा देता है। क्या बात, क्या है ये रहस्य, क्या है? ओके, ये अगर हमने पीछा नहीं किया तो हमारा प्राण के क्षेत्र का लाइफ हम एंजॉय नहीं कर रहे, हम मजबूरी से जी रहे हैं। मसीह होते हुए हम मजबूरी से जीने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने आज आपको रिकॉर्डिंग आज बताया कि जो मैं प्रार्थना करती हूँ, वो प्रार्थनाओं को आप बहुत ही गहराई से एक्सेप्ट कीजिए। पहले तो वो आपके आसपास की जगहों को वो साफ करता रहेगा, आप सरल मार्ग देखने के लिए आजादी मिलेगी आपको, और सरल मार्ग देखने के लिए आजादी मिलेगी, और आप आत्मा के क्षेत्र में खुलते जाएंगे। माय फ्रेंड्स, आत्मा के रियाम्स में से आपको समझने लगेगा आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। वहां से आप कुछ प्राप्त करने लगेंगे।
इसकी वजह से मेरी प्रार्थनाओं को बोरिंग नहीं समझना और ना ही मेरी प्रार्थनाओं के कारण ठोकर खाना कि ये अन्य भाषा बातें कर रही है और ये हमको कैसे समझेगा। डाउट मत कीजिए, अगर आपके अंदर डाउट है तो आप फॉलो मत कीजिए, क्योंकि जो डाउट के साथ फॉलो करता है वो पाप है। आपको परमेश्वर से मांगना है कि आप, अब देखिए अन्य भाषा ये भी आत्मा के अंदर की बात है, जब आप कह रहे हैं कि मुझे ट्रांसलेट करो आत्मा के अंदर से, आप क्या बात कर रहे हैं? तो इसका मतलब है आपको आत्मा के अंदर की बात समझने की इच्छा है। आप प्लीज प्रेयर कीजिए, आप परमेश्वर से मांगिए, वो आपको आत्मा के अंदर से निकलने वाला अन्य भाषा को आप समझने लगेंगे। माय फ्रेंड, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जहां पर ठोकर खाते हैं आप, वो ही उठाकर आप परमेश्वर को दो तो वो आपके लिए स्टेपिंग स्टोन बनाएगा, उन्नति का मार्ग चढ़ने वाला सीढ़ी बना देगा। तो इसकी वजह से आप ठोकर के जगह में रुके नहीं रहना है, आप उठाइए उसको और प्रार्थना में आप जोड़ दो। आप बोलो परमेश्वर से, पिता मुझे ये प्रार्थना ठीक लगता है, नहीं ठीक लगता है, जो आपको चाहिए वो बोलिए, वहां से आपका उन्नति का रास्ता खुल जाएगा माय फ्रेंड्स। ये कारण से आपके अंदर जो भी आपका प्राण इनकार करता है उसी को आप परमेश्वर के पास चढ़ा दो और फिर आप देखो वही चीज परमेश्वर आपके लिए उन्नति का बनाकर आत्मा के अंदर खोल देगा। एक बार ऐसे हुआ था कि मुझे नहीं मालूम था वो लोग ओकल्ट प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। ओकल्ट प्रैक्टिस मतलब गुप्त में वो लोग कुछ पावर्स को यूज करते हैं, सीक्रेट पावर, सीक्रेट सोसाइटी होती है वो। मैं भी इतना उनके बारे में जानकारी नहीं रखती हूँ क्योंकि वेस्टेज है वो, लेकिन मुझे अंदर से आत्मा बता रहा था यहाँ पर दो चीजें हो रही है। एक तो ये लोग ओकल्ट के अंदर फंसे हुए लोग हैं और दूसरा ये लोगों का प्रभु भोज लेना, उसके अंदर कुछ ओकल्ट के मिक्सिंग हो रहे हैं, ब्लड मिक्सिंग हो रहा है। क्योंकि अभी वाइन लेंगे तो वो उसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन, डार्क रेड ऐसे रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है कि जब परमेश्वर का आत्मा बता रहा है तो वो क्या है हम उसको पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे प्राण के क्षेत्र में अंधेरा है, प्राण के क्षेत्र में डाउट्स है, फियर्स है, डर है, हिचकिचाहट है, हिम्मत नहीं है, डेयरिंग नहीं है, गड़बड़ियां है, कंफ्यूशन है, भटका हुआ मन है। तो इस क्षेत्र में हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। अगर हमको ये अलग अलग तरह से हमको एहसास हो रहा है कि हाँ दाल में कुछ काला है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है, जब कोई बात करता है मेरे साथ तब भी मुझे पता चल जाता है कुछ तो प्लस एंड माइनस है, कोई प्रचार करता है तब भी मुझे पता चल जाता है कहीं तो कुछ फिसल गया है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। आपके आत्मा के अंदर से अगर आपको ऐसा कुछ डायरेक्शन मिल रहा है, तो मुझे जब डायरेक्शन मिला यहाँ पर ये चीजें हैं, तो मैंने उस डायरेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने बोला लॉर्ड तो इसके अंदर से मुझे क्या करना है वो मुझे बता दे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये मेरे अंदर के प्राण के क्षेत्र के गड़बड़िया, कंफ्यूशन, डर, डाउट, इसके कारण मुझे कुछ लग रहा है या ये सच में तू ही मुझे बता रहा है। तो एक दिन ऐसा आया, मैंने वहां के पासबान के बारे में ऐसे चर्चा में बोली कि आप लोगों को परमेश्वर बहुत ही ऊंचाई पर लेकर जा रहा है।
आपके साथ परमेश्वर बहुत ही बड़ी बातें करने के लिए जा रहा है, और मैंने ये अभिषेक को महसूस किया था कि परमेश्वर उनके अंदर ये काम ऐसा कुछ करना चाहता है। मैं उसके बाद घर में आई, मैं अपने ही चीजों में खोई थी, मैं वो सब बातों से अलग हो चुकी थी जो चर्चा में हुई थी, और हम बिल्कुल अलग बनकर एकदम अलग तरह से हमारा जीवन चल रहा था। और मैंने आज ऐसे देखा जैसे किसी ने मेरे ब्रेन का बोलो कोई हिस्सा, जैसे ढक्कन खोल देते हैं वैसा खोल दिया है, और मुझे सब कुछ दिखने लगा है। सब कुछ दिखने लगा है और मैं देख रही हूँ, और सब देखते 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 मैंने बोला हाँ यही तो बातें हैं जो मैं उनको बोल रही थी। फिर मैंने एक मन में सवाल किया, यही बातें तो मैंने भी परमेश्वर से मांगी है, तो ये क्या मेरे बारे में बता रहा है परमेश्वर या उनके बारे में? और खटाक से वो ढक्कन बंद हो गया। तो ये ऑकल्ट लोग ऐसे कर सकते हैं। वो लोगों को आप क्या सोचना चाहिए वो सोचे भी आपको देंगे, आप कौन सी भावनाओं में चलना चाहिए वो भावनाएं भी आपको देंगी, आप बिल्कुल उसको पहचान नहीं सकते हैं। आपको लगेगा कि आप मसीह की भावनाओं में है, मसीह के सोचों में है, लेकिन नहीं, ये अलग तरह के पावर्स यूज करने वाले लोग होते हैं जो आपके ढक्कन खोल देते हैं। प्लीज आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर क्या दिखना चाहिए आपको वो एरिया ऑफ लाइफ दिखाना लोगों को आता है, वो पावर्स को इस्तेमाल करके, स्पिरिट्स, पावर्स मतलब स्पिरिट्स, आत्माओं को इस्तेमाल करके वो आपको दिखा सकते हैं। ये आत्माएं आपके कौन से एरिया ऑफ लाइफ को दिखा रही है? अगर आपको ये समझ में नहीं आया ये आत्मा हमको दिखा रही है, तो आप उसके घेरे में आ जाएंगे, उससे उसके घेरे में आएंगे, फिर आपकी भावनाएं उससे कनेक्टेड हो जाएगी। उसके अनुसार हो जाएगी, जैसे आप देख रहे वैसे आपकी भावनाएं रहेगी। एक मेन कारण यही होता है सारे बीमारियां, मानसिक बीमारियां हर तरफ से यही के कारण से होती है कि वो जो देख रहे हैं उसको वो अपनी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। अगर कुछ डरने वाली बात दिख रही है उनकी भावनाओं में डर बैठा रहेगा, खेलता रहेगा खेलता रहेगा। उसके अनुसार ही वो सोचे, डर वाली सोचे, डाउट वाली सोचे, गड़बड़ी कंफ्यूशन वाली, करूं या नहीं करूं, जाऊं या नहीं जाऊं, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं, जाऊं या नहीं, करूं या नहीं, कंफ्यूशंस रहेगा, सीधा रास्ता नहीं पकड़ पाएंगे, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे। किसी के साथ आपके रिश्ते सही नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी अवस्था, आप जो देख रहे हैं उसी के अनुसार सोचे हैं और उसी के अनुसार आप रिश्तों के अंदर भी बर्ताव कर रहे हैं। तो जो रिश्तों के अंदर लोग रहेंगे वो आपकी गड़बड़ियों को नहीं जानते हैं, लेकिन वो आपसे ठोकर खाएंगे। वो लोग सोचेंगे कि नहीं ये ऐसे कर रही है, ये वैसे हो रहा है, वो वहां जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, पता नहीं क्या है, ये ऐसा किया है, वो वैसा किया, कंप्लेंट्स बढ़ेंगे आपके बारे में। तो इस तरह से आपको समझना है कि आप जब भी, हमेशा याद रखिए, जो इविल पावर्स यूज करने वाले लोग रहते हैं दुष्टता के जगत के, वो आपके प्राण के अंदर कुछ भी रिलीज कर सकते हैं जो उनको चाहिए, जो उनके लिए प्रॉफिट कर सकता है, ऐसी चीजें वो रिलीज कर सकते हैं, आपके वातावरण में रिलीज कर सकते हैं, आपके
चीजों में रिलीज कर सकते हैं। ओके, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। और जैसा ही फिर मैंने वो समझ लिया, मुझे यहाँ तक दिख रहा था कि जो प्रभु भोज लेते हैं वो लोग, तो उनके यहाँ पर दो ऐसे लोग थे जो वाइन, वो ब्रेड एंड वाइन, हम जो रोटी तोड़कर दाखरस लेते हैं, वो जो प्रभु भोज कहते हैं, जब जो लेडीज सिस्टर्स वहां पर ये तैयार करते हैं कप्स और ब्रेड को देने के लिए, ऐसे अरेंज करते हैं, वो ही ये गलत काम करते हैं। ओके, वो ही उस समय कुछ मिक्सिंग करते हैं जो ब्रेड एंड वाइन प्रभु भोज का नहीं होता है। वो कुछ कुछ तरह से वो अलग तरह का माहौल में निकल जाता है, वो प्रभु भोज नहीं बोल सकते हैं उसको। ओके, तो इस तरह से मैंने वो भी देखा, वो कौन है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो चर्च को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, वो पास्टर की उन्नति होने नहीं देना चाहते हैं। ओके, वो पास्टर का इतना नुकसान करना चाहते हैं कि वो इंसान बिल्कुल जीरो लेवल हो जाना है। उनके ही कलसिया का झुंड उनका विरोध है। ओके, तो हम हमेशा ध्यान रखना है, हमको आत्मा के अंदर से क्या मालूम पड़ता है वो आप कभी भी खोना नहीं है, उसको आप उठा के परमेश्वर के हाथ में दे देना है। हो सकता है आपके प्राण के अंधेरे में से आपने कुछ सोचा होगा तो वो आपको दिख रहा है, या शैतान का आत्मा आपको गड़बड़ी में फंसाने के लिए ऐसा दिखा रहा है। कुछ भी हो, आप उसको उठाना है और परमेश्वर को दे देना है प्रार्थना में, लॉर्ड मैंने ये ऐसा 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 देखा। जब मेरे भाई का एक्सीडेंट होना था तो बहुत सालों से मैंने हमेशा ही मेरे भाई को, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट होने के बाद में प्लेटफॉर्म पर डेड बॉडी को सफेद कपड़े से ढका रखते हैं, सिर्फ चेहरा दिख सकता है और बाकी कोई पहचान सकता है उसको, इस तो वो तुरंत रेलवे में वो कांटेक्ट कर सकेगा, ऐसा हालत में रखते हैं। तो हमेशा मैंने मेरे भाई का फुल बॉडी कपड़े से, वो प्लेटफॉर्म के कॉर्नर में जहाँ डेड बॉडीज रखे जाते हैं, तो वहां पे मैंने हमेशा उसको, मैंने कितने बचपन से मैंने ये दृश्य को देखा है। ओके, कितने सालों से देखा है मैंने ये दृश्य, और उसका पूरा बॉडी व्हाइट कपड़े से ढका है, सिर्फ पैर खुले हैं। ओके, हमेशा मैंने ये देखा है और मैं इसको इग्नोर कर देती थी, हमेशा इग्नोर कर देती थी। और जब भी मुझे पता चलता था ऐसा, तो मैं हमेशा पहले मेरे अंदर यही सोच आता था कि कहीं ये मेरा ही भाई तो नहीं है ना, ऐसा मुझे डाउट हो जाता था। ओके, और जब उसका एक्सीडेंट हुआ और वो इस तरह से, तो वो दृश्य तो मैंने कितने सालों से देखा हुआ था, और वो दृश्य मैं पहचान नहीं सकी कि मुझे अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रही थी। उसके साथ क्या करना है मुझे पता ही नहीं था। ओके, मैं मसीह में आई उसी के लिए आई कि प्रभु मेरे भाई को ठीक रहने के लिए, सही जीवन जीने के लिए सहायता कर। वही कारण से मैंने और मम्मी ने विश्वास जीवन की शुरुआत की थी। ओके, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पाए। उसके बाद हमने 11 साल फाइट किया, हर बार फिर मैंने, हम लोगों ने तो ये कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया, चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर तो डॉक्टर, दवाइयां तो दवाइयां, डिप्रेशन ही है ना, ठीक है, ये तो वो तो वो, इस तरह से हमने उसको बचाते हुए बचाते हुए बचाते हुए बहुत दूरी तक हम उसको खींचते हुए लेकर आए थे, परमेश्वर की दया थी वो।
ओके, लेकिन वो समय ऐसा हो गया जो मैं देख रही थी वही हुआ। ओके, तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आपके अंदर क्या दिख रहा है, आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि वो आपका रहस्य है, आपके भविष्य का रहस्य हो सकता है, आपके अभी का रहस्य हो सकता है, या कोई वो ऐसा माहौल आपके लिए तैयार कर रहा होगा। ओके, वो खुशी की बात भी रहे या दुख की रहे, लेकिन अनजान नहीं रहना है, और उसके विषय में आपके प्राण उसका कुछ नहीं कर सकता है, आपके प्राण के पास उसके बारे में कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ दुखी हो सकते हैं या फिर आप खुश हो सकते हैं। अगर अच्छी बात है आप खुश होंगे, अगर दुख की बात है तो आप दुखी रहेंगे हमेशा ही। फिर आपको कोई पूछेगा तो तुरंत आप रोने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आप ऐसा कुछ दृश्य देख रहे हैं, ये केवल आपको रुला रहा है, लेकिन जब कोई आपको पूछता है या बातें करता है, तब आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अलग तरह से आपके अंदर से रोना निकलने लगता है। ओके, क्योंकि वो दुख अंदर का आपके आंसुओं से बहने लगता है। ओके, हेल्पलेस, बेसहारा, असहाय लगने वाला, इस तरह से आपकी अवस्था रहती है, वो टूटी हुई अवस्था रहती है, और यही कारण है मैं आपको सिखा रही हूँ, आपके प्राण के अंदर कोई भी ऐसा आइडियाज नहीं रहेगा ये चीजों को हैंडल करने का। ये चीजों को अगर आप हैंडल करें तो आपके बहुत सारी लाइफ के बहुत सारे स्ट्रगल्स यहाँ से ही शुरू होते हैं, इसी के अंदर आपको दिखाई देते हैं, इसी के अंदर ही आपका आंसर्स भी मिलेगा, अगर ये चीजों को आप इग्नोर नहीं करेंगे तो। ओके, ये चीजों को उठाना है और परमेश्वर के हाथों में दे देना है। ओके, अगर आपने इन चीजों को उठाया, परमेश्वर के हाथों में दे दिया, वहां से जरूर कुछ ना कुछ जवाब आएगा। आप भरोसा रखिए, क्योंकि वो अलग जगत है जो आप परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं, जिसके बारे में केवल परमेश्वर ही कुछ कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, शैतान भी नहीं कर सकता है। अगर वो एरिया ऑफ लाइफ में कुछ कर सकता है कोई, तो वो केवल परमेश्वर कर सकता है, और अगर परमेश्वर करता है, वो आत्मा में से करता है, तो हमको आत्मा के सेंसेस में एक्टिवेट परमेश्वर करना चाहिए। इसके लिए मेरी प्रार्थनाएं जरूरी बनती है, आपके आत्मा के क्षेत्र में आप प्रवेश करके जो है उसको प्राप्त कर सके। यही के कारण आपको ये प्रार्थनाओं को लगातार आप सुनने की जरूरत है। लगातार आपके इर्द गिर्द के कांटे जल जाएंगे, झाड़ियां कट जाएगी, जमीन साफ रहेगी, आपका घर बिल्कुल दिखाई देने वाला रहेगा, और आप सुरक्षित रहेंगे, और फिर परमेश्वर के आत्मा के साथ कनेक्शन आपका बरकरार रहेगा, और सब कुछ परमेश्वर से आप प्राप्त करने की हिम्मत पाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु सच में आपके आत्मिक कान खोले, आत्मिक आंखें खोले, और आत्मिक हृदय से समझने वाला हृदय परमेश्वर आपको दे। यीशु को समझने वाला, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की संगति को समझने वाला, और सब कुछ परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में से प्राप्त करने वाला, ऐसा वो समय परमेश्वर आपके आत्मा के अंदर खोल कर रख दे, और दोबारा वो कभी बंद ना हो। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ पिता, ये प्रार्थना को सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ उसकी हजूरी के लिए धन्यवाद करते हुए उस परमेश्वर का सबसन पूरे जोर के साथ, पूरी ताकत के साथ उस यहोवा परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए अपने होठों को खोलते हुए
सब तालियों के साथ गाएंगे हमारे साथ मिलके हालेलुया 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 तालियों के साथ Bye.
को दिलाता है तू ही पता, हरी चंगी मेरी तू लड़ता खुदा में, तुझको दिलाता है तू ही खुदा, तेरी रू से भरे हम सिताइश करें, तेरी रू से भरे हम सिताइश करें, तुझको दिलाता है तू ही पता, हरी जंग मेरी तू लड़ता खुदा है, तुझको दिलाता है तू ही पता, तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, देते हैं तुझको जला
तो नहीं।